आज एक बड़ी अहम खबर है खत्ते के हवाले से, जो तीन चार चीज़ें हैं तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बैकडोर डायलॉग, रबते जो हैं बैकडोर रबते थे वो खत्म हो गए, वो जी, बिल्कुल खत्म हो गए, मुअत्तल हो गए। लेकिन इस वक्त कंसर्न हिंदुस्तान के जो बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या आ रही है? मोदी गवर्नमेंट अड़ी हुई थी कि 370 तो हम दोबारा नहीं लगा सकते, सीधी सी बात। एक और रीजन था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि भारत ने बैकडोर पे पाकिस्तान के साथ बात करना बंद कर दिया है। आपको पता होगा भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ चलती है और ये चलनी चाहिए। किसी भी देश के बीच अगर ऐसे माहौल रहते हैं कि दोनों देश के डिप्लोमेट ही नहीं है, कोई जा नहीं रहा एक दूसरे की कंट्री, तो फिर डिप्लोमेट ना होने के बाद फिर किस तरीके से हम बात करें, बैकडोर डिप्लोमेसी से ही करेंगे। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत के साथ अब सारे रास्ते बंद हैं। अब मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर दो पॉइंट रखूँगा, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि पाकिस्तान भी बंद कर सकता है ये अभी बात, या भारत भी बंद कर सकता है, दोनों में से कोई भी देश बंद कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी कुछ है। पहले वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक बड़ी अहम खबर है खत्ते के हवाले से, जो तीन चार चीज़ें हैं तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बैकडोर डायलॉग, रबते जो हैं बैकडोर रबते थे वो ख़त्म हो गए, वो जी, बिल्कुल ख़त्म हो गए, मुअत्तल हो गए। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से जो 5 अगस्त के बाद वाले वाक़ात जो हुए हैं जी मकबूजा कश्मीर में, और उससे पहले जो सूरत हाल वहां पर एक जन्म तो पहले ले चुकी थी ना सूरत हाल ऑलरेडी बुरहानुद्दीन वानी, उस पर पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की आगे बात तजारत और बाकी मामलों को ले जाने को तैयार नहीं है। और इंडिया का ये कहना है कि जी आप बाकी मामलों पे बात करें, कश्मीर को साइड पे रख दें, पाकिस्तान जो है अपना असूली मौका उस पर खड़ा है, और वो डेडलॉक हो गया दोबारा। अच्छा, अब उसमें जाहिर है कि अमेरिका भी है उसमें, यूरोपीय यूनियन भी है, मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक सब चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो, लेकिन एक दोनों अपनी पोजीशन लेके, यानी वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पोजीशन लेके वो खड़े हो गए हैं और बिल्कुल वो डट एक गए मामला होंगे बड़ा डट गए। स्टैंड पे। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये यहां से मामला आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी साइड ट्रेड से ज्यादा 370 दोबारा लगाने में इंटरेस्टेड थी, जो इंटरेस्टेड थी उस पर भी मैं आऊंगा। अब टॉक्स कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई कि जहां पर मामला गड़बड़ हो गया, और एक रीजन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की थी, क्योंकि जो बैक चैनल टॉक्स होती हैं उनका कोई रिटन रिकॉर्ड तो होता नहीं, और रिटन रिकॉर्ड नहीं होता तो एक साइड इंडियन साइड इस पसोपेश में रहेगी, इस प्रॉब्लम में रहेगी, इस चिंता में रहेगी कि बैक चैनल टॉक्स हो गई, हमने कुछ चीजें एग्री कर ली, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कितने दिन वहां टिकी है, और गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है वो एक पार्टी का है और दुश्मन पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, ये कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगे ये दिमाग में रहता है, और कितने दिन ये गवर्नमेंट रहेगी, बहुत अनसर्टेनिटी दिखी। लेकिन बैक चैनल टॉक्स का एक हम लोगों को जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखा इसमें, हमने कहीं ना कहीं हमें ये भी देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ उन सबसे पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उसके बाद चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ था, उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था। जो चिट्ठी इंडिया की तरफ से गई थी, जो चिट्ठी वहां से आई थी, दोनों तरफ से जिक्र नहीं था। उसके बाद हालांकि ये टॉक्स पीटीएट के टाइम से चल रही थी, उसके बाद टॉक्स में हमें थोड़ी तेजी दिखी, लेकिन शाहबाज शरीफ ने फिर वही चीज पकड़ी, वापस एक एड्रेस टू नेशन दिया, और एड्रेस टू नेशन में आकर के उन्होंने कश्मीर का नाम लिया, और ये भी बोला कि 370 दोबारा लगाई जाए। यहां आकर के मामला कुछ गड़बड़ाया, शाहबाज शरीफ प्रेशर में होंगे या थे, जो भी बोलिया कि 370, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट कोई फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं है, कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, साथ में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको जिस कंसर्न हिंदुस्तान के जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की आ रही, वो कह रहे कि यार मतलब मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई तो कहते कि यार हम किससे बात करें, बाजवा साहब से बात करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें, या किससे करें, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आया ये हुकूमत साल रहेगी या 6 महीने रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये एक असल मसला है। क्योंकि इस दफा मुझे मैं लग रहा है कि अब जी, अब बैठने का थोड़ा सा उनको भी है, और वो ये भी कहते हैं कि भाई S-400 सिस्टम अगर हमने लगाया हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ना पाकिस्तान से हमारा इस तरह का कोई मसला है, हमारा मसला चीन से या फिर किसी और से है। देखें, मैं गारंटी देता हूं, चाइना का दिमाग खराब है,
कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट जो उसको मिली हुई डेढ़ सौ अरब डॉलर वो उसके सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझसे आप गारंटी ले लेना, मैं देखिए ये ना पाकिस्तान कभी हमला करेगा, क्यों करेगा? पाकिस्तान को भी मालूम है कि न्यूक्लियर पावर है इंडिया, ठीक है, इंडिया को भी मालूम है कि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि इंडिया को ये सोच समझ लेना चाहिए कि आप जो है शहबाज शरीफ से नहीं बात करेंगे, जब करेंगे आप जनरल बाजवा से नहीं बात करेंगे, अगर करेंगे आप जो है ना इमरान खान से नहीं बात करेंगे, इनकी जात कोई अहमियत नहीं रखती किसी की, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे। आज एक गवर्नमेंट है, ये सारी दुनिया में होता है, देखें इंडिया में भी होता है कि उनकी इंडिया की भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन लीडर को इनको ब्रीफ करते हैं, बिल्कुल हमेशा ब्रीफ करते हैं नेशनल मैटर्स पे, इंटरनेशनल मैटर्स पे, सारे करते हैं। लेकिन वो कोई भी कभी आपने इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर में हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर या रिटायर्ड कभी किसी से सुना है कि उसने बताया हो कि मुझे राक अचीफ ये कह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में या फलाने के बारे में, कभी सुना है आपने? कभी राक अचीफ का कोई बयान आया है जिसमें उसने डिस्क्लोज किया हो कि उनके कितने एजेंट है पाकिस्तान में या वो क्या करते हैं, कौन सी हमारा सर पूरी दुनिया में होंगे, उनके दुनिया में होता है हर सारी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी किसके लिए काम करती है, वो काम कर किसके लिए, किसके अंडर होती है, वो डायरेक्टली जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर होती है ना, उन्होंने उनको रिपोर्ट करना होता है, बल्कि ऑन अ डेली बेसिस करना होता है। अब वो बातें अगर आप जाकर जलसों में बताना शुरू कर, दूसरी बात क्या होती है जब आप ओथ लेते हैं तो आप ये ऑफिशियल सीक्रेट्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके की सिचुएशन है पाकिस्तान के मीडिया में। डॉक्टर शाहिद मसूद बोल रहे हैं कि भारत ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब बैकडोर डिप्लोमेसी में जो बातचीत होती रहती थी भारत पाकिस्तान के जो भी डिप्लोमेट्स थे वो बात करते थे, वो भी बंद हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं दो बातें कहूँगा। पाकिस्तान में कुछ ही समय में होने वाले हैं इलेक्शन, इलेक्शन होंगे तो रीज़न क्या है, इलेक्शन होने के कारण पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि इमरान खान को वो कोई मौका दे, इमरान खान को मौका मिले कि भारत के साथ ये दोस्ती बढ़ा रहा है, ये वो फलाना ठिकाना, इस तरीके के वो मौके डेफिनेटली नहीं देना चाहती। जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान भी बैकडोर डिप्लोमेटिक टॉक्स है वो बंद कर सकता है, और भारत के पास बहुत सारे रीज़न है, भारत के पास पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए बचा ही क्या है, क्या बचा है आप बताइए? टेररिज्म आप फैलाओगे, ले देकर पूरे इंटरनेशनली दुनिया को बताओगे कि इस्लामोफोबिया ये वो फलाना ठिकाना, भारत भारत के मुसलमानों को भड़काना, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा भड़के हो, पाकिस्तान के ही मुसलमानों को भड़काते, वो यही सब चीज़ें करना है आपको भारत के साथ। इनका या तो एक ये हो सकता है कि किसी तरीके से बातचीत करके व्यापार चालू करें, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई हदें पार कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन करेंसी का और डॉलर के साथ कंपैरिजन करें, पाकिस्तान करेंसी का कंपैरिजन करें तो 3-3 गुना से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हो भारत का अगर रुपया 78 से 79 या 80 रुपीज़ है तो पाकिस्तान का 300 रुपये, ऐसा कंडीशन आ रही है। तो अब पाकिस्तान की हालात ख़राब हो रही है, सोड़े लगे पड़े इनके, इनके पास अब कुछ बचा है नहीं। इमरान खान जो वादे करके आए थे वो तोड़ दिए, इमरान खान को एक चांस मिला है कि वो गलती से 6 महीने पहले चुनाव के अपोजिशन में आ गए, तो अब वो सारा जो इमरान खान का किया धरा रहेगा वो जाएगा करंट गवर्नमेंट पर। तो इलेक्शन में भी मुझे लगता है अगर फ्री एंड फेयर हुए तो इमरान खान जीतेंगे, और जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।